गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर वेक्टर्स। बिफोर वी स्टार्ट द वेक्टर्स, वी नीड टू नो अ लिटिल बिट अबाउट 3D। तो पहले वेक्टर पढ़ेंगे, तो पहले थोड़ा सा 3D पढ़ेंगे, फिर वेक्टर्स, एंड देन अगेन वी विल कम टू एडवांस 3D। सो लेट अस सी व्हाट आर वेक्टर्स, बट बिफोर दैट, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, आपने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा है विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग 3D। 3D में लाइक इन 2D यू हैव एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। So I am keeping this as x-axis and this is y-axis, ox and oy, right? तो ये तो positive side of x-axis है, ये positive side of y-axis है। तो z-axis को अपन denote कर रहे हैं, 3-dimensional है, board 2-dimensional है। तो where will the z-axis go? It will come out of the board। तो इसको थोड़ा ऐसे denote करेंगे, ठीक है? Somewhat like this। So we can say that this is oz, z-axis। So now there are 3 axes. And this is basically forming a right-hand system of coordinate, rectangular system of coordinate axis. So this is right-hand system of rectangular coordinate axis. Okay? So हम क्या पढ़ रहे हैं? Right-hand system of rectangular coordinate axis. मतलब आप right-hand का axis कैसे देखिए आप? This is y-axis. X axis and this one is Z axis towards this one, right? So here we have 3 axes. So basically, जैसे 2D में आपके पास होते हैं 4 quadrants. तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर आप imagine कर सकते हो, there will this these 3 axes, if they are extended in both the side plus and minus, they will totally divide the space in 8 parts. जैसे 2D में 4 quadrants होते हैं ना आपके, 1, 2, 3 and 4। Here these 3 axes are dividing the 3D space into 8 parts. And what are these 8 parts? 8 parts पर imagine करो, यहाँ पर ये positive y axis, ये negative y axis, ठीक है? Positive x axis, negative x axis, positive z axis मान लेते हैं इसको, उस साइड मान लेते हैं। That side is positive z axis, this side it is negative z axis. So I am taking that side positive x axis and this side negative x axis, okay? Remember, so positive x axis there hai, positive y axis this side, this is positive z axis. So you can write z dash x x dash y y dash. Now see, if you can imagine how many parts are here, kitne parts ho gaye 3D space ke, to aap dekho, pehle aap imagine karo ki ek ये जो फर्स्ट एक क्यूब यहाँ पे रख दिया मैंने, घर यहाँ पे रख दिया, तो दिस इज आवर फर्स्ट ऑक्टेंट, क्योंकि 8 पार्ट्स होने वाले हैं, तो इनके नाम हम क्वाड्रेंट नहीं, इनके नाम लेंगे ऑक्टेंट्स, ओके? कितने ऑक्टेंट्स आने वाले हैं? 8 ऑक्टेंट्स। कैसे आने वाले हैं? लेट्स सी। सो दिस वन, इफ यू कैन इमेजिन दिस ब्लॉक हियर, ओके, फर्स्ट ब्लॉक इज फर्स्ट ऑक्टेंट, इसके साथ में इधर सेकेंड ऑक्टेंट, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, उसके जस्ट नीचे थर्ड ब्लॉक, और इसके नीचे फोर्थ ब्लॉक। सो देर आर 4 ब्लॉक्स, ओके? इमेजिन आर ड्यूप्लेक्स, 2 मंजिल का मकान इमेजिन कर लो, उसमें 4 कमरे बना सकते हैं पहले। तो यहाँ सबसे पहला कमरा इधर है, फर्स्ट रूम जो है वो यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से फर्स्ट रूम, उसके साथ में सेकेंड रूम, उसके नीचे थर्ड रूम, और इसके नीचे फोर्थ रूम, 1, 2, 3, 4, 4 रूम हो गए, और ये 4 रूम आगे की तरफ आ जाएंगे। तो द फिफ्थ रूम इज हियर, सिक्स्थ इज हियर, सेवन्थ इसके नीचे, और 8 इसके नीचे, फिफ्थ के नीचे 8, राइट? तो फिर से देख लेते हैं कैसे बनाए हमने रूम्स, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है? 1 के जस्ट सामने जो आपका फिफ्थ रूम है, आई एम राइटिंग फिफ्थ, इसके जस्ट साथ में आपका सिक्स रूम, राइट? इसके नीचे सेवन्थ रूम, और इसके नीचे फोर्थ के नीचे 8 रूम। तो टोटल द स्पेस इज नाउ डिवाइडिंग टू 8 पार्ट्स, एंड दीज 8 पार्ट्स आर नोन एज ऑक्टेंट्स। अब इनका रूल समझ लेते हैं, प्लस माइनस साइन कैसे चलेगा इनमें। जैसे क्वाड्रेंट में चलते हैं, आपको याद होगा, लेट अस डिवाइड फॉर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स 2 डायमेंशन ज्योमेट्री सबको आती है। तो क्वाड्रेंट्स में कैसे होता है, देखो क्वाड्रेंट में कुछ तरह से होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सबको पता है, दिस इज प्लस प्लस, ओके, बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव, दिस इज
माइनस प्लस, दिस इज माइनस माइनस एंड दिस इज प्लस माइनस, ये सब होता है। अब ऑक्टेंट्स के रूल देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्टेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इन ऑक्टेंट्स को ध्यान से देखो, एक लिख देता हूँ एक्स वाई और जेड, लाइक दिस, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट विथ हाउ यू विल डिनोट देम, ओके। तो ध्यान से देखो, अब पहले तो क्वाड्रेंट सिस्टम लिख देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में ये होता है नेगेटिव ये पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में दोनों ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर से एक बार रिपीट कर दो, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, दो बार लिख दिया अपन ने क्वाड्रेंट सिस्टम, राइट। अब देखो जेड एक्सिस एक बार सब जगह पॉजिटिव आएगा और एक जगह सब एक बार सब जगह नेगेटिव, तो यहाँ पर सब जगह पॉजिटिव लिख लेते हैं, चार बार पॉजिटिव और चार बार नेगेटिव, ये बन गया आपका ऑक्टेंट सिस्टम, ठीक है। क्या किया हमने पहले, क्वाड्रेंट सिस्टम लिख लिया, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर से रिपीट करो, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, जेड में एक बार सबको प्लस दे दो, प्लस प्लस प्लस, चार बार प्लस और चार बार माइनस। सो दिस वे यू डू द ऑक्टेंट सिस्टम, ठीक है। ये ऑक्टेंट सिस्टम होता है आपका, इसको समझ लो इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक बात और बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, कि देर आर थ्री क्वांटिटीज एक्स वाई एंड जेड, ओके, एंड ईच वन ऑफ देम कैन टेक एनी वैल्यू प्लस और माइनस, तो टू चांसेस फॉर दिस, टू फॉर दिस एंड टू फॉर दिस, तो टोटल हाउ मेनी ऑक्टेंट्स, टू इंटू टू इंटू टू, दैट इज एट। सपोज करो आपके पास फोर डायमेंशनल ज्योमेट्री है और हमारे पास हर एक एक्सिस के सपोज तो फिर से दो दो पार्ट हो, तो आपको 2 × 2 × 2 × 2 यानी 16 पार्ट्स मिल जाएंगे उस स्पेस के, फोर डायमेंशनल स्पेस के 16 पार्ट्स, जैसे थ्री डायमेंशनल स्पेस के 8 पार्ट्स हैं, टू डायमेंशनल स्पेस के 4 पार्ट्स हैं, राइट। तो फोर डायमेंशनल स्पेस के 16 पार्ट्स होंगे, दिस वे यू कैन एक्सटेंड द डायमेंशन ऑफ द स्पेस, ओके, विच कैनॉट बी इमेजिन बट विच कैन बी रिटन मैथमेटिकली, मैथमेटिकली आप लिख सकते हो बट इमेजिन करना डिफिकल्ट रहता है, राइट। नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द फॉर्मूला ऑफ बेसिक 3D के सिंपल फॉर्मूले, जैसे बेसिक 2D के सिंपल फॉर्मूले होते हैं ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, ऐसे 3D में सेम चलेगा वो, तो दिस इज OX, OY एंड OZ, ठीक है। तो मान लो आपके पास P और Q है, ये इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो सेम सपोज कि अब 3D में एवरी पॉइंट विल हैव थ्री कोऑर्डिनेट्स, X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट एंड Z कोऑर्डिनेट, X1, Y1 एंड Z1 P के कोऑर्डिनेट्स, और इसी तरह से इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं X2, Y2 एंड Z2, ओके। तो आप देखिए PQ जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा X2 माइनस X1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट, रूट इज कॉमन होगी, रूट इज ऑफ फॉर ऑल, तो Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर डिस्टेंस PQ। नाउ Similarly, you can have section formula kx2 plus x1 upon k plus 1, ky2 upon section formula क्या नाम हो? तो x suppose करो एक point है r, इसको k is to 1 के ratio में divide करते हैं. Externally या internally doesn't matter because if k is negative, then it is external division. K is positive, then it is internal division. So doesn't really matter. So we are writing x as kx2 plus x1 upon k plus 1, y as ky2 plus y1 upon k plus 1 and z is equal to kz2 plus z1 upon k plus 1. This is the section formula. So this much you should know about three dimensional geometry. Now we can start the topic vectors in 3D. 3D or 2D, it's just the same. You just change the dimension. 4D bhi chal jao, 5D bhi chal jao, kitne bhi dimension chal jao. Vector ki definition wahi rahegi, jo 1D mein rahegi. टू डायमेंशन में रहता है, टू थ्री डायमेंशन में रहता है या एन डायमेंशन में रहता है, तो वेक्टर द डेफिनेशन रिमेन्स द सेम। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, नाउ वी कैन कम टू वेक्टर्स, दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ 3D व्हिच वाज नेसेसरी फॉर वेक्टर्स। नाउ फिर वेक्टर में आता है एनी लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ओके, व्हाट इज द वेक्टर, एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन,
physics, according to physics, the definition will be a bit, you know, changed, so modified. But here it is not. This is just the definition of maths we are talking about. Mathematically, any directed line segment is called a vector. Okay. So this is the definition of vector, right? Now, here if the length of AB, that is this part, this is also known as length, or length of AB sometimes, length of vector, or this is known as, better known as magnitude, magnitude of vector AB, right, denoted by arrow on the top. This is magnitude of vector AB, okay. This length AB, length AB is also known as magnitude of vector AB, okay. Now, ये वेक्टर जिस लाइन का एक पार्ट होगा ना, उस लाइन को इस वेक्टर का सपोर्ट बोलेंगे. सपोज करो ये बड़ी सी लाइन है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में जा रही है लाइन L1. तो दिस लाइन, दिस वेक्टर इज अ पार्ट ऑफ दिस लाइन L1. सो दिस लाइन L1 इज कॉल्ड द सपोर्ट ऑफ द वेक्टर. सो बेसिकली वेक्टर AB का सपोर्ट क्या हो जाएगा? सपोर्ट इज द लाइन, the line which is of which the vector is a part. So line L1 बोल देता हूँ, ठीक है, ये सपोर्ट हो जाएगा. सेंस क्या हो जाएगा? सेंस ऑफ वेक्टर, सेंस ऑफ वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए. दिस इज सेंस ऑफ द वेक्टर, ठीक है. सेंस ऑफ वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम ए टू बी, दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ द वेक्टर ए टू बी, और बी टू ए, बी टू ए, दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ द वेक्टर, ओके. Now, what are equal vectors? Two vectors are equal if their magnitude and sense are same. So, if the magnitude of two vectors AB and CD, they can be on anywhere in the space. बस एक चीज का ध्यान रखना है, उनका magnitude बराबर होता है. AB is equal to CD, ये बराबर होना चाहिए. Plus, और इनका जो sense है, sense मतलब sense same होना चाहिए. You can say that direction from A to B and direction from C to D should be same. अभी बाद में पढ़ेंगे कि इनके जो supports हैं, जैसे line, the line of which they are part of should be parallel and same in the same direction. Then they are having the same direction. So their sense should be same, right? If the direction is same means sense is same. And their magnitude is equal, then they are said to be equal vectors. Okay. Equal vectors need not lie on the same line, they can be anywhere in the space, because here we are studying free vectors. Now here comes the basic difference between physics and maths in terms of vectors. Physics mein it is important that at which point the vector is applied, like force is a vector. Aur kis point pe apply ho raha hai se depend karta hai, jaise ki maan lo idhar ya idhar, ye torque bana dega. Maths mein ye dono equal ho jayenge, this and this, but physics mein they might create a torque. So this is the basic difference, right? So equal vectors क्या होते हैं? Those which have the same magnitude and the same direction, they are called equal vectors, right? Now like vectors, those like vectors means they have the same direction. They may not have equal magnitude, but the direction is same. So we are talking about like vectors. What are like vectors? Right? Like vector मतलब जैसे AB और CD. Like होंगे जब इनका direction same. Direction is same. A magnitude of AB need not be equal to this, may not be equal to this. Okay, need not be. I am not putting it. This may not be equal to this. So this is how you create like vectors. What are unlike vectors? Unlike vectors means they have opposite directions. It is not there. They don't have the same direction, but they have opposite directions. So AB or AB का direction है वो minus CD है, मतलब it is just opposite to direction of CD. Then they are called unlike vectors. Okay, unlike vectors, right? एक होता है null vector. Null vector वो होता है जिसका magnitude zero है, direction could be anywhere. It is like a point which has, see, if what is a vector, we must have two points to denote a vector in the 3D space or any space you are talking about, two points A and B, right?
दिस इज वेक्टर ए बी डिनोटेड बाय दिस डायरेक्ट लाइन सेगमेंट। अब अगर ए और बी दोनों पास आते जा रहे हैं देन व्हाट इज हैपनिंग, ए बी इज स्टैंडिंग टू जीरो। एज ए बी स्टैंडिंग टू जीरो वंस इट बिकम्स अ पॉइंट ए एंड बी कोइंसाइड, नाउ वी कैन नॉट से व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ ए बी। सो दिस इज कॉल्ड व्हेन दिस इज जीरो देन ए बी वैक्टर इज कॉल्ड अ नल वैक्टर, और नल वैक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन। ठीक है, देर आर मोर वैक्टर्स लाइक कोलिनियर वैक्टर्स एंड पैरेलल वैक्टर्स विच विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो रिवाइज दिस मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड डू सब्सक्राइब द चैनल दिस चैनल and the link of the channel which will I provide in the description box, those two channels you must subscribe. Okay, see you in the next class.